हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन सिंह रावत आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे खुशी पोल्ट्री व्लॉग्स में। दोस्तों आज हम जो है वीडियो बना रहे हैं अपने छोटे वाले शेड की। ये आप देख पा रहे हैं ये पूरा अपना छोटा वाला शेड है और इसमें केवल फीडर लगे हुए हैं और इसमें कितना अच्छा मिल रहा है बर्ड्स को। ड्रिंकर बाहर निकालने के कारण जो है दोस्तों काफ़ी हद तक जो है बर्ड्स को जो है स्पेस मिला है। तो काफ़ी कल जो वीडियो मैंने चढ़ाई थी उस पर कमेंट्स आया था कि भैया आप जो है छोटे वाले शेड का जो है आप मोटिवेट करें ताकि हम उससे भी मोटिवेट हों। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको, छोटे वाला हुआ शेड या बड़े वाला हुआ बॉडी वेट सेम है। और कल हमने किया था वीडियो में केवल हमने बड़े वाले शेड का ही दिखाया था। तो बॉडी वेट आप देख पा रहे होंगे अच्छे से है और इसमें जो है हमने 15 दिन पे बर्ड्स को इधर शिफ्ट किया था, बाकी बर्ड्स उधर ही था। एक साथ ही इनकी ब्रूडिंग होती है और एक साथ ही इनको बच्चे को पाला जाता है, हम अलग अलग नहीं रखते, ये आपको पता होगा अच्छे से। दूसरा दोस्तों, एक भाई ने भी कमेंट्स में पूछा था कि यार आप जो है फीडर जो है काफ़ी नीचे कर रखा है। तो दोस्तों जिसमें रस्सी लगी हुई है उस फीडर को तो हम जो है ऊपर कर रखा है, देखिए आप। लेकिन एक्स्ट्रा जो फीडर है उसके जो है, देखिए इसकी हाइट, ये हाइट है, लेकिन जिस फीडर के रस्सी नहीं है ना दोस्तों उसको जो है हमने नीचे रख रखा है, तो बच्चा उसमें फीड खाता रहता है। हालाँकि हम तो पिछले लोटों में भी जब भी बर्ड्स आए हैं तो किसी के रस्सी टूट जाती है तो हम नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि जो आलसीपना होता है ना दोस्तों उसके कारण नहीं लगा पाते, तो बर्ड्स नीचे से ही फीड लेता है। तो इससे नुकसान भी है और बेनिफिट भी है, बताऊं मैं नुकसान क्या है और बेनिफिट क्या है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर फीडर अपना अगर नीचे रहता है तो उसके अंदर अपन को नुकसान क्या है वो बताऊँ। बर्ड्स बेड की फीड खाता है, एक FCR का फ़र्क पड़ता है उस पर, दूसरा बच्चा लंगड़ा होता है और बच्चा जो है अच्छे से डाइजेशन नहीं कर पाता। तीसरा कारण इसका होता है दोस्तों, अगर बच्चा खड़ा होकर फीड खाता है तो वो खड़ा फीड खाने के बाद में पानी पीने जाएगा, लेकिन बर्ड्स अगर बैठ करके इस प्रकार अगर फीडिंग ले रहा है तो वो बच्चा बेड खा करके यहीं बैठ जाएगा। ये तो है इसका नुकसान। दोस्तों बेनिफिट बताऊँ क्या है, बेनिफिट ये है कि जैसे अपन ने इसको हाइट दे दी है बर्तन को, तो बच्चा बड़ा है वो हाइट में इसका इसमें फीडिंग लेगा, लेकिन कोई छोटा रह जाता है बच्चा साइजिंग में, जैसे अभी मैं इसमें ढूंढ के बताऊं आपको, जैसे देखिए ये जा रहा है एक बच्चा, अगर इस प्रकार का कोई बच्चा रह जाता दोस्तों तो फिर वो ग्रोथ नहीं ले पाता क्योंकि उसको फीडिंग नहीं मिलती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है, उसमें साइजिंग होती है बर्ड्स की। तो अगर अपने 100 बर्तन है तो उसमें 20 बर्तन बिल्कुल नीचे भी होने चाहिए ताकि हर बर्ड्स उसमें फीडिंग ले सके, ठीक है ना। तो ये इसका बेनिफिट है। तो मैं अपने इतने बर्तनों के अंदर जो है अभी 20 सेंटर में मैंने रस्सी लगाई है, तो 20 सेंटर में सारों में रस्सी लगी हुई है, लेकिन जो हमने साइड में अलग से बर्तन रखे हैं दोस्तों वो नीचे ही पड़े हैं, बाकी सबको हमने हाइट दे रखी है। इसी प्रकार बड़े वाले शेड में भी सेम सिस्टम है दोस्तों, उसमें एक्स्ट्रा में जो बर्तन है उनको हमने नीचे रख रखा है ताकि हर छोटा बड़ा बर्तन बच्चा जो है फीडिंग ले सके और ग्रोथ कर सके। दोस्तों दूसरा बॉडी वेट के लिए बताना चाहता हूँ कि बॉडी वेट अपने जो है मेरे साथ में जो बर्ड्स आए हैं उससे 100 ग्राम पीछे चल रहा है। अब उसका रीज़न आप कुछ भी समझ सकते हैं, या तो हो सकता है निप्पल सिस्टम लगाया उसके कारण बर्ड्स में बॉडी वेट कम आ रहा है, या फिर हो सकता है कि अपना बर्ड्स लेट उतरा था, मतलब कि सबके सुबह मॉर्निंग में डिलीवरी हुई थी और अपने शाम को हुई थी 6 बजे। कुछ भी कारण हो सकता है, बट एक दिन अपना बच्चा लास्ट पीछे चल रहा है। तो आगे जाके क्या रिजल्ट आने वाला है वो तो दोस्तों अपन देखेंगे आगे जाके, लेकिन अभी फ़िलहाल की कंडीशन में जो समस्या मेन ये है कि अपना दूसरे फार्म पे बर्ड्स है अपने साथ के हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना बॉडी वेट जो है 100 ग्राम पीछे चल रहा है। क्योंकि दोस्तों कल उन फार्म पे 1 किलो बॉडी वेट आ रहा था, अपने 900 ग्राम प्लस आया था, है ना। तो कोई नहीं, बॉडी वेट को अपन कवर कर लेंगे। और ये छोटी छोटी जो टॉपिक होते हैं दोस्तों वो आपके साथ शेयर करता हूँ मैं। निप्पल सिस्टम की भी हमने हाइट कर दी है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, तो बर्ड्स इस प्रकार पानी पी रहा है और इसमें जो है कटोरी के अंदर बहुत कम पानी आ रहा है। एक भाई ने भी क्वेश्चन किया था कि यार आपके जो आपने निप्पल सिस्टम किया है उसके अंदर जो है पानी बच्चा निप्पल में पीता है या कटोरी में पीता है, तो उसके लिए भी मैं बता दूं दोस्तों, बच्चा जो पानी पीता है ना वो निप्पल को टच करके ही पानी पीता है, उसमें एक्स्ट्रा जो बूंद गिरती है दोस्तों वो नीचे ना गिर के कटोरी में गिर जाती है और दूसरा बच्चा आता है वो कटोरी से पानी पी लेता है, इसीलिए कटोरी लगी हुई है। लेकिन पानी जो मेन आता है वो निप्पल से आता है, जैसे अपने लेयर में होता है दोस्तों वो सेम सिस्टम है इसमें। लेयर में थोड़ी निप्पल अलग आती है, उनके थोड़ी हार्डली होती है और अपने ये जो है थोड़ी मुलायम है, हल्का सा टच करते पानी आता है, ब्रॉयलर के लिए अलग से निप्पल है। तो ये सिस्टम इसका रहा दोस्तों। दूसरा बता दूँ आपको, ये अपने फ़ैन लगा रखे हैं,
तो ये आज हम चालू करेंगे फैन, क्योंकि बड़े वाले में तो बीच वाले सेंटर के चल रहे हैं और छोटे वाले के अंदर अभी तक हमने चालू नहीं किया। तो इसके अंदर क्या है कि इधर खुला पड़ा है पूरा एरिया, तो हवा अच्छे से यहाँ पे आती है। और उस वाले शेड में क्या है कि ये फार्म आ गया अपना, तो उधर जो है हवा बहुत कम जा रही है, तो ये कारण भी हो जाता है। दूसरा दोस्तों एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये अपने ड्रिंकर पड़े हैं, इनकी वॉशिंग अभी होगी दोस्तों। तो ड्रिंकर किसी भाई को अगर ज़रूरत हो तो मेरे से संपर्क करें और आप ड्रिंकर ले सकते हैं मेरे से। अगर किसी फार्म पे बर्तन टूट गए हों आपके, या कोई नया फार्म बनाया किसी भाई ने, उसके अगर जैम्बो ड्रिंकर की और जैम्बो चिक्स ड्रिंकर की अगर ज़रूरत हो तो मेरे को संपर्क करें। और अगर आप पुराने फीडर भी चाहिए आपको तो उसकी व्यवस्था भी अपन करवा देंगे। तो दोस्तों मेरे नंबर हैं 8233998650। इस नंबर पे मेरे को व्हाट्सअप करें ताकि मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, ठीक है दोस्तों। रेट का जो भी है अपन कर लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब मैं जो है आपको बड़ा वाले शेड भी दिखा देता हूँ दोस्तों, तो चलिए आपको मैं बड़े वाले शेड में लेके चलता हूँ। तो अभी गर्मी जो है बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ऊपर से टिन शेड पर जो हीटिंग आ रही है दोस्तों, उसके लिए हमने स्प्रिंकलर चला दिए हैं, ये देखिए। तो अभी इसको हम 15-20 मिनट चला करके बंद कर देंगे दोस्तों। और ये अपने चिक्स फीडर हैं, उसको भी धो के अच्छे से पैक कर दिए हैं। एक बार आपको चिक्स ड्रिंकर भी मैं दिखा देता हूं दोस्तों। चिक्स ड्रिंकर भी हमने धो के कम्प्लीटली बैग में पैक करके रख रखे हैं, तो किसी भाई को आवश्यकता हो तो ले ले। ये देखिए ये वाले चिक्स ड्रिंकर है अपने, तो इनको रख रखा है। अभी जो है किसी को आवश्यकता हो तो संपर्क करें और आपको रिजनेबल रेट में हम दे देंगे। तो दोस्तों इसको हमने पैकिंग कर दिया है ताकि काम जितना अपना पहले से ऑलरेडी होके रहे तो नेक्स्ट बैच आने पर प्रॉब्लम नहीं हो। और दोस्तों खाने के लिए पपीते भी लगा रखे हैं, देखिए। और ये अपना फीडिंग का गोडाउन आ गया, ये देखिए। बच्चे इस प्रकार बैठे हैं, जहाँ जहाँ फैन चल रहा है ना, फैन के नीचे बैठे हैं बिल्कुल। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल भी बच्चा हाँफ नहीं रहा है, क्योंकि जब भी हीटिंग का ज़्यादा चांस हमें लगता है ना दोस्तों, तो हम टिन शेड पर जो है स्प्रिंकलर चला देते हैं। तो ये देखिए ये इस प्रकार है बच्चे। दोस्तों एक बार आपको टेम्परेचर मीटर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टेम्परेचर मीटर जो है अपना 86.4 फ़ारेनहाइट पे है, ह्यूमिडिटी 68 है। ये जो साइट में फ़ैन लगे हुए हैं दोस्तों, अभी इनको चालू नहीं किया है। बच्चे जैसे ही 30 दिन क्रॉस करेंगे हम ये वाले फ़ैन भी चालू कर देंगे। अभी फ़िलहाल जो है ऊपर वाले फ़ैन चल रहे हैं। तो अमूस टाइप में ये गर्मी होती है दोस्तों जब हम इसको यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ें हो जो होती है मैं आपको साथ अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। और भी कोई क्वेश्चन हो आपका तो मेरे से पूछे ताकि मैं उस पर भी कोई वीडियो बना सकूँ दोस्तों, और आपको जो है नई नॉलेज देने की कोशिश करूँ। तो दोस्तों अभी जो है अपना फार्म जो है निपल सिस्टम में चल रहा है, और आज 22वां दिन है दोस्तों, और 22वें दिन में बर्ड्स की ये कंडीशन है, ठीक है ना दोस्तों। और आज एक मॉडल्टी हुई है दोस्तों, कल भी एक मॉडल्टी थी, तो मॉडल्टी का इश्यू यही चल रहा है दोस्तों, कभी नहीं होती है कभी एक तो हो जाती है। तो अभी तक फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत है नहीं। और एक तो बच्चा थोड़ा कच्ची बीट कर रहा है, उसके लिए हम लगाएंगे दोस्तों अभी शाम को कोई मेडिसिन, तो उसके ऊपर भी हम आपको ज़रूर वीडियो बना के डालेंगे। तो अभी कच्ची बीट है। मौसम जो है दोस्तों इस प्रकार हो रहा है कि अमूस टाइम में जब भी होता है ना हर समय, तो ये बर्ड्स जो है कच्ची बीट दिखाने की कोशिश करता है। पतली बीट होती है और एक येलो कलर में बीट होती है दोस्तों, ठीक है। तो उसके लिए भी हम जो है अभी मेडिसिन लगाएंगे, अभी फ़िलहाल की कंडीशन में बढ़िया चल रहा है। तो दोस्तों और भी कोई नया टॉपिक आएगा उस पर वीडियो बना करके आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, आप रेगुलरली हमारे चैनल पर बने रहे। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं आप तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय श्री राम।